अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, मरीज के में जनरल सर्जन की मुबैना गफलत सामने आ गई है। जनरल सर्जन ने एक मरीज़ा का गायनी का ऑपरेशन कर दिया और जब मरीज़ा की डेथ होगी तो उसको कहा कि आप उनके लवाकिन को कहा कि आप इस मरीज़ा को लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में ले जाएँ। बदकिस्मती से जो मरीज़ा थी, मरीज़ा गायनी की मरीज़ा थी, सी सेक्शन कर दिया गया और जो लवाहिकीन थे उनसे किसी किस्म की जो है वो कंसेंट नहीं ली गई। हमें यह भी पता चला है कि जनरल सर्जन डॉक्टर फ़र्क है, उन्होंने गायनी का अस्पताल बनाया हुआ है और जब लवाहिकीन अपनी मरीज़ा को लेकर गए तो बगैर पूछे, बगैर किसी इजाज़त के जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और ऑपरेशन थिएटर में जब पचीदगी हुई तो मरीज़ा की डेथ होगी। लेकिन जो है वो मरीज़ा की तो डेथ हो गई लेकिन एक जो बच्चा बेबी पैदा हुआ था वो अलहम्दुलिल्लाह अभी भी हयात है। तो इस हवाले से हम चलते हैं आज मरीज के में और जनरल सर्जन डॉक्टर फ़र्क का बताया जा रहा है, लवाहिकीन से भी मिलते हैं कि क्या गफलत की गई है और उसके साथ डॉक्टर फ़र्क का भी कोशिश करेंगे, उसका भी मौक़िफ़ लें। तमाम इस हवाले से बता दूं कि आजकल पंजाब में जो डॉक्टर्स हैं, जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, उनकी जानब से मुबैना गफलत के केसेस सामने आ रहे हैं। इससे पहले सरगोधा में एक ENT के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने 6 साल राफे की जान ले ली। अस्पताल के अंदर ना ICU था, ना अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक था, ना अस्पताल में वेंटिलेटर था। इसी तरह का ये मरीज का केस है, अक्सा 26 साल उम्र है बताया जा रहा है और बगैर किसी कंसेंट के जनरल सर्जन ने गैनी का ऑपरेशन कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर फ़र्क जो जनरल सर्जन है, इनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उस दिन वो मौजूद नहीं थी, डॉक्टर साहब ने खुद ही जो ऑपरेशन कर दिया। आइए चलते हैं आज लवाहिकीन से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जनरल सर्जन का भी मौक़िफ़ लें। नाज़रीन, डॉक्टर मसीहा होते हैं और इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, लेकिन एक ऐसा वाकया जो कि मरीज के अंदर डॉक्टर्स की गफलत एक और सामने आ चुकी है कि जब भी किसी किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाता है तो लवाहिकीन से कंसेंट ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, बकायदा एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म के ज़रिए या तो साइन करवाए जाते हैं या अंगूठा लगवाया जाता है। लेकिन 26 साल अक्सा मरीज के में डॉक्टर्स की गफलत की वजह से आज यहाँ पर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और गफलत ये है कि गायनी का ऑपरेशन था, सी सेक्शन करना था और सी सेक्शन के दौरान जो है वो यहाँ पर एक सर्जन है, जनरल सर्जन, उन्होंने गायनी का ऑपरेशन किया है, डॉक्टर फ़र्क अली मुजाहद, उन्होंने लवाहिकीन से पूछा ही नहीं, ये सिर्फ चेकअप करवाने के लिए गए थे, बगैर पूछे उन्होंने जो है वो सी सेक्शन कर दिया जिसमें 26 साल अक्सा की डेथ हो गई। और लेकिन जो बच्चा था वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है और माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे इस बच्चे को। उनकी अक्सा की वालदा में ऐसा मौजूद है, ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। माँ जी, ये बताएं कि ये जो डॉक्टर फ़र्क अली मुजाहद हैं जी, आप इनके पास चेकअप करवाने के लिए गए थे, किस के लिए गए थे? मैं चेकअप करवाने गई थी। ठीक है। तो उन्होंने बस मुझे कुछ नहीं पूछा, बस उसको अंदर लेकर गए, तो बाहर लेकर आए उन्होंने, कमरे में एक रूम में लेकर गए उसको, वहाँ जाकर उन्होंने कनोले लगा दिए, पेशाब की नाली लगा दी। तो मैंने कहा भी क्या ये क्या कर रहे हैं जी, नहीं इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहाँ से ख़राब है, इसको तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ चेकअप करवाने आई हूँ। नहीं नहीं बस इसका अभी ऑपरेट होगा। वो ले गए, तकरीबन 18 मिनट में बच्चे की रोने की आवाज़ आई है, तो खुशी भी हुई हमें, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। तो जब वो मरीज़ को बाद में लेकर आए तो वो होश में नहीं थी, यानी इसके आंसू आंखों से निकल रहे थे। तो एक आदमी वो खड़ा होकर जो मुबारकी ले रहा था, उसने उसको हाथ मार के ज़ोर से कहा बीबी होश करो, तो उसने ज़रा सी आँखें खोली हैं, फिर उसने आँखें बंद कर ली, उसकी आँखों से आंसू निकल रहे थे। फिर ये दोबारा ले गए उसको, जाकर मैं 2.5 घंटा मैं पूछती रही हूँ कि बताएं भी कैसा है हमारा मरीज़। तो उन्होंने कहा नहीं बस वो ठीक है, आप एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें, आप एम्बुलेंस, मुझे बार बार इस बात पे टॉर्चर कर रहे थे। फिर जब एम्बुलेंस का बंदोबस्त हुआ तो जब अक्सा को बाहर निकाला गया तो उसका पेट फूल कर काफ़ी बाहर था और उसकी ज़ुबान जो दांतों के नीचे थी जामनी कलर की हुई थी। समझ तो मैं गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने अल्लाह के आगे ऐसे सवाल किया कि या अल्लाह तू तो मुर्दों में भी जान डाल देता है, हो सकता है मेरा वहम हो। लेकिन जब हम लेडी ब्रिंग उन्होंने लिख के दिया है, बोले लेडी ब्रिंग ले जाए, वहाँ हम लेकर गए तो उन्होंने डॉक्टर ने देखते के साथ कहा इसकी तो काफ़ी देर से डेथ हो चुकी है। माँ जी, ये बताएं कि जब ऑपरेशन किया है तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं, कोई साइन करवाया, कोई इजाज़त नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो डॉक्टर मुजाहद साहब हैं यहाँ पे मरीज के जी, डॉक्टर फ़र्क अली मुजाहद, इन्होंने आपसे कहा कि हम सी सेक्शन करने लगे हैं, ऑपरेशन करने लगे हैं, आपकी बेटी का आप साइन कर दें, या आपसे पूछा हो कि हमें इजाज़त दे दें? कुछ भी नहीं उन्होंने कहा,
सिर्फ इन्होंने, मैंने बताया ना, इसको अंदर ले गए, डॉक्टर तो सिर्फ एक ही दफ़ा नज़र आया है, उसके बाद मुझे उसका अमला जो वो आगे आ रहा था, वो अमला पैसे ले लिया उसने, अमले ने सारा कुछ अंदर लेकर गए, जो उनसे पूछ रही हूँ ना, उन्होंने खून की कहा, हम खुद हैरान थे कि खून का भी इन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, इन्होंने कोई हमसे इजाज़त नहीं ली ना हमसे साइन करवाया। ये एक फॉर्म है ना, ये आपने फाइल मुझे दी है जी, ये फाइल भी है जी, स्क्रीन पे भी अगर साथ चले तो बेहतर है, मैं ये कहूँगा कि स्क्रीन पे साथ चलाएं। अच्छा, इसमें माँ जी ये साइन और ये अंगूठे लगे हुए हैं, ये देखें, तो ये किसके अंगूठे हैं? ये वहाँ जो सिस्टर है उसके लगे हैं, वहाँ उसी वक्त जब आपके किसी के नहीं, नहीं हमारे, ये किसने बताया कि वहाँ पे सिस्टर जो नर्स है उसके हैं? ये जब मेरे शोहर वहाँ गए ना, यहाँ पर जनाजे पे तस्बीह पड़ी जा रही थी, उस वक्त ये वहाँ गए, मेरे भांजे, ये मेरा दामाद, सब गए। जब डेथ होगी ये फाइल कब आपके पास थी? ये फाइल उस डेथ के बाद है, बाद में दी आपको? हाँ जी, इन्होंने वहाँ तैयार किए और अंगूठे भी ये उसी के लगे, और ये पता चला है कि ये हमारे मोहल्ले में राने हैं, वकास अली, राना वकास, उसको फ़ोन आया था, वो पुलिस वाला है, उसने कहा जी मेरी बीवी के ये अंगूठे हैं। ठीक है नाजिन, मैं ये बाद में बात करता हूँ, ये बयान कर दूँ आपको, जब भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में आप कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कंसेंट आपसे ली जाती है, कोई भी माइनर ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो। तो इसमें ये अंगूठे लगे हुए हैं, ये कह रहे जी हमारे नहीं है, डॉक्टर साहब ने ये फ्रॉड किया है, बाद में जब डेथ हो गई है पेशेंट की ये फेल किया है। इसमें उन्होंने कहा जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मेन चीज़ है, इसमें उन्होंने लिखा जी कि मेरे इल्म में है कि ऑपरेशन के मुतल्लिक किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जा सकती, यानी कि जो लवाहिकीन है उनको बताया जा रहा है इस फॉर्म के ज़रिए कि गारंटी हम नहीं देते, कुछ भी हो सकता है, साइन करें। ठीक है, ये हर एक लिख के देता है और इसके ऊपर साइन हमें करने पड़ते हैं, हमें ट्रस्ट होता है डॉक्टरों पर। उसके अलावा उन्होंने कहा जी एक और बात, मैं हर किस्म की बेहोशी के लिए रजामंद हूँ और बेहोशी की मुमकिन पेचीदगियों से आगाह हूँ, यानी बेहोश अगर कर दिया तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट भी हो सकता है, फिर भी साइन करने हैं आपने। और इसमें यह लिखा है कि ऑपरेशन की नौइयत, और ये सारा कुछ लिख दिया है, यानी कि ये जो खुदा न खास्ता ये अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्टर लिखते हैं लेकिन इनसे साइन नहीं करवाए, अगर तो इनसे साइन करवा लिए जाते और खुदा न खास्ता कुछ होता सब, तो फिर तो ये फिर भी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जो हैं वो एक राइट भी होते, लेकिन ये एक पहला फ्रॉड है। सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाऊंगा कि जनरल सर्जन जो है वो गायनी का सी सेक्शन, मैंने तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा से पूछा है, वो कहते हैं कि अगर मजबूरी है और गायनाकोलॉजिस्ट सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो सी सेक्शन जो है वो डॉक्टर कर सकता है अगर डॉक्टर नहीं मौजूद है कोई गायनी की। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है उन्होंने जनाब, यहाँ पर एक पूरा आपदा गायनी जनरल सर्जिकल हॉस्पिटल है ये, और इसमें गायनी का भी लिखा हुआ है। अब ये तो मैं जाऊँगा इसके बाद मुतलका डॉक्टर के पास कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, और ये सवाल पूछूँगा, दूसरा सवाल ये पूछूँगा कि जनाब ये सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, अपने आप को बचाने के लिए आपने वहाँ पर एक स्टाफ नर्स का, नर्स के जो है वो ये साइन करवा लिए हैं, ये बेस्ट केस है, सबसे बड़ा केस है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के लिए। ये भी पूछता हूँ माँ जी से कि ये इसके ख़िलाफ़, इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ किसी को दरख्वास्त की? और अगला जी, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि सर्जन से बड़ा रोल किरदार एनेस्थीसिया डॉक्टर का होता है, जो बेहोशी देने वाला डॉक्टर है, जिसने बेहोश करना है, उसका फॉर्म भी खाली पड़ा हुआ है, ये फाइल उन्होंने खुद दी है, कोई साइन नहीं है, कौन डॉक्टर था ये भी खाली पड़ा हुआ है। और आगे भी चलते हैं जी, उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन कोई नहीं लिखी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर का कोई फेल नहीं किया, किसने करनी है? और ये एक लिखाई डॉक्टर की, अभी हम इसके ऊपर भी जो है वो बताएंगे ये क्या लिखा है, ये भी बाद में सारा कुछ फिल किया गया डॉक्टर की जानिब से, ये जो सर्जन डॉक्टर है। तो ये इसकी वीडियो भी है जी साथ, ये भी अगर वीडियो साथ चलाएं, जब ये फिल कर रहा था, जब पेशेंट की डेथ हो गई है, सिर्फ फाइल मुकम्मल करने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो पेशेंट था अक्सा, 26 साल, पहला बेटा था, तकरीबन 10 माह हुए हैं शादी को, पहला बेटा था। मैं आपको ये बता दूं नाजीन कि ये पेशेंट गवर्नमेंट मियाँ मुंशी अस्पताल बंद रोड के ऊपर जो अस्पताल है, उस अस्पताल का ये रेगुलर पेशेंट था। हमारे पास वो भी फाइल है, वो भी साथ लगाएं जी। बिल्कुल पेशेंट ठीक था, किसी किस्म की कोई मर्ज नहीं थी, HB पूरा था, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था, कोई किसी किस्म का मसला नहीं था, पेशेंट वहाँ पर रेगुलर चेकअप करवाता था। माँ जी, अगर आप गवर्नमेंट मियाँ मुंशी में रेगुलर चेक करवा रहे थे तो फिर यहाँ से क्यों करवाया? बस वो
उस दिन सर्जरी करवाने गए या प्रेशर करवाने गए थे या चेकअप करवाने गए थे? सिर्फ चेकअप करवाने गई थी, क्योंकि मैं अक्सर अपनी बहू से पूछती रहती थी, बेटा आपकी तबीयत कैसी है, कोई ख़राब नहीं है? बोले माँ जी मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन मैं फिर भी डरती थी, क्योंकि उन्होंने कहा, एक डॉक्टर ने, कि जी हो सकता है ये इसको 10 माह से ऊपर हो गया है। मैं उस वजह से घबरा के, मैं इसकी ऐड देखकर, तो मैंने बोला चलो, इसकी बड़ी मशहूरी आती है तो मैं चलो चली जाती हूँ, देखती हूँ सर्जन डॉक्टर है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सर्जन डॉक्टर ये कहाँ बताया कि गायनी का भी डॉक्टर यहाँ पर कोई है? नहीं, यहाँ ये नहीं बताया। नहीं, ये नहीं बताया। आप गई और सीधा वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बस इन्होंने फौरन, यकीन करें, इन्होंने 5-10 मिनट भी नहीं लगाए। माँ जी आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप अपनी बेटी के साथ घर में रहती थी, कि उनको पेन्स वगैरह हो रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं, वो घर में। और मियां मुंशी वालों ने कब तक कहा था कि डिलीवरी होगी, कितना टाइम बाकी था? उन्होंने बस कहा था, जब मैं समझो 2-15 दिन पहले जब मैं गई थी ना, उन्होंने कहा था या ये बहुत होगा, महीना निकाल लेगी या ये 15। नहीं, जिस दिन आप गए हैं तकरीबन, आज से आप जो है वो गए हैं कितने दिन पहले, 22 यानी कि 22 अगस्त को आप गए हैं इस अस्पताल में, उस जब जिस दिन इस अस्पताल में गए थे उस दिन कितना टाइम बताया था कि रहता है? उन्होंने इसको यही बताया था कि 2 हफ्ते निकाल लेगी। उसके बाद 2 हफ्ते थे, फिर आप क्यों नहीं वहाँ पर गए? बस वो जो मैंने आपको बताया ना कि 10 माह इन्होंने कहा कि भी ऊपर से 10 माह से ऊपर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने कहा कि जी बेटा पैदा हुआ है, तो आप बेटा पैदा होने के जब आपको बेटा दिया, तो उसके बाद आपने पूछा कि माँ का क्या हाल है, आपकी बेटी का कैसी है? मैंने पूछा, मैंने बोला मेरी बहू कैसी है? उन्होंने कहा जी वो उसकी तबीयत सही है, हम उसको वो मतलब पट्टी वगैरह लगा रहे टांकों के ऊपर। मैंने बोला ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद ये लेके आ गए, लाए तो बस इन्होंने, यानी कि वो होश में नहीं थी। होश में नहीं थी जी? नहीं। और बार बार क्यों कह रहे थे आपको? कुछ बताया था कि एम्बुलेंस करवाएं, और किधर कह रहे थे लेके जाएं? मैंने पूछा ना, मैंने बोला भाई आप क्यों मुझे इस तरह कह रहे? बोले वो उसको दौरे पड़े। बोले किस चीज़ के दौरे? फिर बोलते जिसको अटैक हुआ है। बोली किस बात का अटैक हुआ है भाई, मुझे बताओ तो सही। लेकिन जो अंदर से हमला निकल रहा था ना, उनके चेहरे अजीब थे। मुझे बहुत यानी कि परेशानी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब एम्बुलेंस मंगवाई है तो सादा एम्बुलेंस थी या उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर था, क्या आपको ये कह रहे थे? वो बोल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर वाली मंगवाएं। ठीक है, वो एम्बुलेंस आपने मंगवा ली? हाँ, प्राइवेट मंगवाई जी। उसके बाद फिर जो है वो आपने अपनी बेटी को ये लेके आए बाहर? हाँ जी, बाहर। तो आपकी कोई बात हुई? नहीं, इन्होंने जब कपड़ा उसके ऊपर से हटा है ना, तो जब मैंने इसकी कंडीशन देखी, क्या कंडीशन थी माँ जी? उसका पेट फूल कर बाहर की तरफ आया हुआ था, जुबान उसकी दांतों के नीचे थी, हाथ उसका गिरा हुआ था, मुंह पे इन्होंने कपड़ा डाला था। जब उसको लेके मेरे आगे से निकले, वो हवा से कपड़ा उड़ा, इन्होंने फौरन घबरा के कपड़ा डाल दिया। तो मैं रो तो पड़ी थी उस वक्त देख के, मैं समझ में आ गया था। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, शायद मेरी गलत फहमी हो, इन्होंने एम्बुलेंस में डाला। फ़ौरन एम्बुलेंस में उसको डाल के बोला जी इसको लेडी ब्लीडिंग ले जाए। वहाँ लेकर गए, जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखते के साथ ही डॉक्टर आई थी, खुद नर्सें भी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप किसको ले आई, इनकी तो डेथ काफ़ी देर से हो चुकी है। जब एम्बुलेंस में गए हैं तो ऑक्सीजन लगा हुआ था उनको? हाँ, ऑक्सीजन लगा हुआ था। सिर्फ उसके ये ना सांस कोई नहीं था, हाथ गिरा हुआ था। सांस ले रही थी वो? नहीं, कोई सांस नहीं था। बता रही कि उसका दो दफा हाथ गिरा एम्बुलेंस में भी। उसकी वालदा पीछे बैठी थी, वो उठा के उसका हाथ ऊपर कर रही थी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि इसमें सबसे बड़ी जो एक गफलत ये है और जो ब्लंडर है कि एक जो मरीजा ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं, उनके लवाहिकीन से किसी किस्म की कंसेंट ली ही नहीं गई, यानी कि उनसे इजाज़त नहीं ली गई लवाहिकीन से, एक तो ये है। दूसरा फिर जो है वो ऑपरेशन कर दिया गया, फिर जो है वो आपके सामने सूरत हाल है कि जब मरीज़ा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आए हैं, तो उस वक्त जो सूरत हाल है उनकी वालदा ने बता दिया। तो हम बात करते हैं जी मज़ीद जो है वो अक्सा के जो वालद साहब हैं, उनके जो ससुर हैं, उनसे बात करते हैं, चूँकि उनके साथ भी डॉक्टर साहब रबते में हैं। डॉक्टर जो है वो ये जो सर्जन है, इनका मैं नाम पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर फरक अली मुजाहद जो है, ये बार बार इनसे रबते में, ये क्या कह रहे हैं इनको डॉक्टर साहब, और क्या रबता इनसे किया है, उनसे ही बात करते हैं। नाज़रीन, अक्सा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, लियाकत साहब बताइएगा कि आपको डॉक्टर मुजाहद ने आपसे रबता किया, क्या कहते हैं आपको? मैं जिस टाइम मेरी बच्ची की डेथ हुई है, मैं यहाँ घर पे लेके आया हूँ, तो उसके बाद हम लोग 5-6 बंदे, मैं, मेरे कुछ दोस्त थे, वो मेरा छोटा भाई और मेरी हमशीरा, हम लोग उसके क्लिनिक पे गए। मैंने जाके डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब जब मेरी बच्ची यहाँ पर आई है तो उसकी कंडीशन कैसी थी? मुझे उन्होंने कहा है कि जी बच्ची जब यहाँ पर आई उसका ब्लड हाई था। तो मैंने उसका अपलेट किया, मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने किससे इजाज़त ली है, मेरे बेटे से, मेरी बीवी से या मेरे से? बोला मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली है, मैंने उसका अपलेट किया। मैंने बोला मैं
गुस्से में था, मैंने उसको गाली भी दी और मैंने उसको बोला मैं कोई चीज़ उठा के तेरे सर पे मार दूंगा। मैं जब गुस्से में आया हूँ तो मुझे दो तीन बंदों ने बाहर निकाला है, तो बाद में जब मुझे बुलाया अंदर तो मैं गया हूँ तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे से बैठ के बात कर लें। मैंने बोला मैं आपसे बैठ के कोई बात नहीं करूँगा, ना मैं आपको माफ़ करूँगा। उसके चार पाँच दिन के बाद फिर उसका भाई रात 12 बजे और साथ कोई अनारकली का कपड़े का काम करता है ताजरे कोई वो साथ आया है, रात 12 बजे उन्होंने आके नीचे आवाज़ दी थी। मैं जो इधर नींद आ नहीं रही थी, मैं चार पाई पे बैठा हुआ था तो मैं नीचे उतरा हूँ। मैंने बड़ी इज्जत से उनको बिठाया, मैंने बोला कोई चाय पानी कोई बोतल खाना वाना, उन्होंने बोला नहीं। वो मुझे हदीस की बातें सुनाना शुरू की, मैंने बोला आप मुझे हदीस की बातें नहीं सुनाएं, मुझे भी आती हैं, आप बात करें आप किस लिए आए मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपसे माफ़ी मांगने आए, आप हमारे भाई को माफ़ कर दें। मैंने बोला यार वो माफ़ी मांग रहा है, मुझे उसकी वजह चाहिए, वो किस चीज़ से मुझे मेरे लिए माफ़ी मांग रहा है, क्यों माफ़ी मांग रहा है। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि बच्चे की कफालत हम करते। मैंने बोला मैं बच्चे की कफालत, मेरे इतने बच्चे पले हैं अल्लाह ने पाल दिए, इसकी कफालत मैं आप पे नहीं चाहूँगा। यानी कि आपको पैसे देना चाहते हैं जी, और मैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि आज मेरी बेटी मरी है, कल कोई और बेटी नहीं मरे। मैं माजरत के साथ अपने वकील आला पंजाब मुर्शद नकवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के बराए मेहरबानी आप इन लोगों के ऊपर एक्शन लें और आने वाली बच्चियों को बचाएं। मैं अपनी अदलिया से माजरत के साथ हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इन लोगों पे एक्शन लें और इनको सजा दी जाए कि दोबारा कोई बेटी इस दुनिया से रुखसत ना हो इस साल के अंदर। मैं सबसे सिफारिश करता हूँ सबसे तो तब लेंगे ना जब आपकी दरख्वास्त देंगे। मेरी दरख्वास्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना इसके लिए, मैंने कोर्ट की तरफ से रिट दायर की है और कोर्ट की तरफ से थाने में ऑर्डर आए वो मैंने जमा करवा दिए। सेक्रेटरी हेल्थ को भी मेरे वकील ने दरख्वास्त भेजी है, बिल्कुल गई है दरख्वास्त, आप कॉल करके पूछ सकते हैं उनसे जिस नाम से दरख्वास्त गई है वो आपको बताएंगे दरख्वास्त के बारे में। तो वो भी मेरे पास एक आधे दिन में आएगी, वो भी मैंने थाने जमा करवानी है और आप इंसाफ लेंगे इंशाल्लाह। मुझे इंसाफ चाहिए, यानी कि आपकी बेटी तो चली गई, मेरी तो बेटी चली गई है, मैं अगली बेटियों के लिए लड़ना चाहता हूँ कि आगे किसी की बेटी दुनिया से नहीं जाए, एक मशरूम सा छोटा सा बच्चा छोड़ के वो दुनिया में नहीं जाए। मैं बच्चे को बुलाता हूँ, आप देखे बच्चे को लेके आओ अगर आपको बाहर, कि जिस बच्चे ने अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया, अपनी माँ के सीने पर नहीं लेट पाया, मुझे तकलीफ है, मुझे दिली तकलीफ है। और मैं अपने आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी करके आप इन लोगों पे एक्शन लें कि दोबारा ये किसी की बेटी दुनिया से नहीं जाए। ये बताइए बताइए माशाल्लाह ये बेटा है, माशाल्लाह ये वो बेटा है जो अपनी माँ के सीने पे नाम नाम रख दिया जी, जी अली मूसा नाम रखा है इसका, माशाल्लाह समझ गए अली अली अंसा जी, अली माशाल्लाह जबरदस्त अल्लाह ताला से। ये जी मेरी छोटी सी अक्षा है। कितनी देर पहले शादी हुई थी बेटे की? बेटे की मैंने शादी पिछले साल 14 रबी वाले दिन में बेटे की बारात लेके गया था और 13 रबी वाले दिन मेरी बेटी का चेलम आ रहा है। 14 रबी अव्वल को मैं बारात लेके गया था और 13 रबी अव्वल को मेरी बेटी का चेलम आ रहा है। बहुत दुख की बात है नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी गफलत है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए गफलत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर्स के लिए गफलत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि इससे पहले सरगोधा में 6 साल जो है वो राफे जिस तरह वहाँ के ENT सर्जन ने उसकी जान ले ली, ऑपरेशन थिएटर में कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पर अस्पताल के अंदर, ना कोई ICU ना ब्लड बैंक, वो भी जान की बाजी हार गया। यहाँ पर एक अक्सा जो है वो 26 साल बताया जा रहा है लेकिन उम्र इससे भी कम थी, 22 साल उसकी उम्र थी अक्सा की, और बगैर किसी वजह के, कोई वजह ही नहीं थी और ये ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहते थे और सिर्फ पैसों का लालच जो है वो सामने आता है, और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। अब ये बता दूं कि ये जो डॉक्टर फ़र्क अली मुजाहद हैं ये मरीज के THQ अस्पताल में भी सर्जन है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस, वहाँ पर सरकारी जॉब करते हैं, वहाँ पर तो शायद पता नहीं जाते हैं कि नहीं, लेकिन क्लिनिक जो इन्होंने साथ ही एक बड़ा क्लिनिक बनाया हुआ है, अब वहाँ पर भी जाएंगे, इनसे पूछेंगे, ये 4-5 सवालों का जवाब लेंगे, डॉक्टर साहब हमें अगर ये 4-5 सवालों का जवाब दे दें तो हम यकीनी तौर से उनसे पूछेंगे कि जी आपने कंसेंट ली, आपने इनके लवाहकिन को अक्सा के लवाहकिन से पूछा कि क्या ये ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, फिर आपने जो है वो झूठ क्यों बोला, फिर आपने ये जो कंसेंट फॉर्म है इसके ऊपर खुद ही साइन करके नर्स के साइन कर लिए, फ्रॉड किया, फिर आप लालच दे रहे हैं कि जी पैसे ले लें। भारत जो है वो फैमिली इस बात पर जो है वो खड़ी है कि जी वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जा चुके हैं और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर उनको इंसाफ मिलता है या नहीं, कई केस सामने आ चुके हैं।
अब कौन कौन सा मैं केस बताऊं, और कोशिश करेंगे कि इस केस में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी लिया जाए कि इस केस में वो क्या फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम जाएंगे और डॉक्टर फ़र्ख अली मुजाहद के क्लिनिक पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे बात करें, वो हमें ये सारे सवालों के जवाब दें। सर्जन साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो क्लिनिक या अस्पताल तो बनाया हुआ है, वहाँ पर किसी किस्म की सहूलत रखी नहीं उन्होंने रखी नहीं है, और जो गायनी का ऑपरेशन था वो जनरल सर्जन ने खुद ही कर दिया। नाज़रीन, अक्सा के खामद में सब मौजूद है और डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से जो है वो अक्सा इस दुनिया में नहीं रही। माशाल्लाह एक प्यारा बेटा है जी, और उनके खामद मेरे साथ मौजूद हैं, ये किस तरह उसकी परवरिश करेंगे, ये बिल्कुल जो है वो जब पूरा एक केस गायनी का जब होता है तो मुसलसल ये जो है अक्सा के साथ थे और मियाँ मुंशी अस्पताल, गवर्नमेंट मियाँ मुंशी अस्पताल से चेकअप करवाते थे। तो भाई क्या नाम है आपका? अमीरुल हसन। अमीरुल हसन, बताइएगा कि उस दिन भी आप साथ थे, तो आप बेबी की परवरिश आपने करनी है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? सल्ला पाकि पालने वाले भी इन्होंने तो ज़्यादती की है, जब गए हम तो जो है लोग तो जल्दबाजी कर रहे थे, हमें टॉर्चर किया, हर काम जो है जल्दबाजी में किया इन्होंने, जो है हमें डराया कि बेटे के और जो है माँ के जान को खतरा है, आप जल्द से जल्द जो है ऑपरेट करें इनको। डराया था? तो, हाँ जी। तो अब आप जो है वो केस लड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल लड़ेंगे। जिस तरह वो आ रहे हैं आपके पास के माफ़ी दे रहे हैं? माफ़ी तो नहीं देनी है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादती की है अक्सा के साथ, बहुत ज़्यादती की है, बहुत सी ऐसी बातें हमसे छुपाया है, जो बहुत से इनसे जो गलती हुई है हमें बताया नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक हमें बताया नहीं है इन्होंने, अगर हमें बता देते हम अपनी कोशिश करते हॉस्पिटलों में ले जाते, अपनी तरफ से कोशिश तो करते ना, अल्लाह पाक बेहतर करता, लेकिन हमें नहीं बताया इन्होंने, जो है एंड में जो है डेड बॉडी हमारे हवाले की। उस दिन भी आप साथ थे? जी हाँ, जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए? जी हाँ साथ। तो आखिरी दफा क्या बात हुई थी आपकी बेगम से? बेगम से तो कोई बात नहीं हुई, हालो हाल पूछा, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। हाँ जी, तो कोई बात हुई थी आपसे, उन्होंने कुछ कहा था आपसे? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए चले गई, अंदर उनको लेकर गए, मैंने खाली इतना कहा कि टेंशन नहीं लेना, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, बिल्कुल जी, उनकी खामद है, बात नहीं हो रही इनसे, और इंतहाई अफसुर्दगी के आलम में इस वक्त, क्योंकि अफसोसनाक वाकया पेश आया है, और अब ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एक सवालिया निशान एक मरतबा फिर है कि ऐसे डॉक्टर जो मुबैना गफलत में मुलव्वस होते हैं उनके लिए कम से कम कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये केस पेंडिंग हो जाते हैं, पड़े रहते हैं सालों साल, किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई आज तक मैंने तो नहीं सुना। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी पूछेंगे कि जनाब आज तक कितने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये दूसरा केस तो अब आ चुका है, बल्कि इससे पहले फैसलाबाद में था, फिर सियालकोट में था, फैसलाबाद में गलत ऑपरेशन किया गया, एक वहाँ पर डॉक्टर ने, वो वहाँ पर भी सर्जन था प्रोफेशनल, वो क्वायक नहीं था, उसने जो है वो पित्ते की बजाय टांग का ऑपरेशन कर दिया, टांग वाले मरीज़ का पित्ता निकाल दिया, फिर सियालकोट में ऐसे हुआ, फिर सुरगोदा में हो गया, एक छः साल राफे जनाब अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर ही नहीं था, अस्पताल के अंदर आईसीयू नहीं था, अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर नहीं था, और आज मरीदगे में अक्सा के साथ ये हो गया है कि वो ये करवाना ही नहीं चाहते थे, इनसे कंसेंट ही नहीं ली, कंसेंट के बगैर, इजाजतनामे के बगैर जनाब ऑपरेशन थिएटर में ले गए और डेथ हो गई है, और कह दिया, फिर झूठ बोलते हैं कि जी आप उस अस्पताल में ले जाए, लेडी विलिंगटन में मुर्दा मरीज को दे दिया जी आप लेडी विलिंगटन में ले जाएँ, इंतहाई अफसोसनाक वाक्य है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपदा गायनी एंड जनरल सर्जिकल अस्पताल है, ये बिल्कुल जीडी रोड मरीदके के ऊपर है, और जो एक मरीज़ा थी जो कि गायनी की मरीज़ा सी सेक्शन कर दिया गया था, यहाँ पर डॉक्टर फ़र्क की जानब से जो कि जनरल सर्जन है, और उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो जनरल सर्जरी में, वो जनरल सर्जन है, उन्होंने गायनी की मरीज़ा का ऑपरेशन किया, और उसके साथ अक्सा मरीज़ा थी 26 साल, और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि जो लवाहिकीन थे उनका इल्ज़ाम ये है कि उनसे कंसेंट नहीं ली गई, और जब मरीज़ा मर गई तो उसके बाद जो एक फॉर्म होता है जिस पे इजाज़त ली जाती है लवाहिकीन से, उसके ऊपर अपनी स्टाफ नर्स के अंगूठे लगवा दिए। आइए चलते हैं, डॉक्टर फ़र्क से मौक़िफ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फ़र्क अली मुजाहद साहब, कैसे हैं सर आप? सर, एक पेशेंट थी आपके पास, हाँ माशाल्लाह जनरल सर्जन है अक्सा, ये डॉक्यूमेंट्स है उसके, इसकी डेथ हो गई थी, आप जनरल सर्जन हैं और ये गायनी की पेशेंट थी, आपने सी सेक्शन कैसे कर दी है? पहले तो मुझे आप ये बात बताएं कि
कि आपके पास ये अथॉरिटी है मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन। अथॉरिटी ये है कि लोहाकिन बाहर खड़े हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, अगर आप कहते हैं तो पंजाब हेल्थ केयर। इस तरह आप नहीं इंटरव्यू कर सकते, ये अलाउड नहीं है आपको। आप इस तरह ऑपरेशन कर सकते हैं आप? ये नहीं, इस तरह इंटरव्यू ये छोड़े, ये अलाउड नहीं है। ये आप माशाल्लाह सर्जन है, FCPS की है, मेरे आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप क्वायक नहीं है। मैं तो क्वायक ताई डॉक्टर पकड़ता हूँ। मसला ये कि एक घंटे का प्रोग्राम है, उनका मौक़ है। मैं समझता हूँ कि वन साइड कोई स्टोरी ना चले, मनो मन ये प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर फर्क साहब, बात ये है FCPS आम डिग्री नहीं है। मैं इस डिग्री की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरी दुनिया में ये मानी जाती है। मुझे ये बताएं कि क्या ये बदनीयती नहीं है कि पेशेंट से आपने कंसेंट नहीं ली और आपने अपनी स्टाफ नर्स के अंगूठा लगाकर आपने ऑपरेशन कर दिया? क्या किसी मरीज से पूछते हैं पहले कि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं? मुझे बता दें। मैं फिर आप मुझे वही कहेंगे कि मैं आप नहीं दूंगा, फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप पहले मुझे इसका मैंडेट बता दें। मैंडेट मेरा ये है, मैंडेट मेरा ये है, इस तरह साफ आके सवाल नहीं कर सकता। मैं सवाल इसलिए कर सकता हूं, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। डॉक्टर फर्क साहब क्वैक से कर सकते हैं, आप से भी कर सकते हैं। आपने क्वैक से भी बुरा काम किया है, सिर्फ चंद पैसों की खातिर आपने मरीजा का सी सेक्शन कर दिया और आप जनरल सर्जन है। चलो जनरल सर्जरी भी आप है, अच्छी बात आप कर सकते। अभी मेरी बात सुन ले, जवाब ना दे, आप बात तो सुन ले ना, आप मेरी बात भी सुने ना, आप मेरी बात भी सुने। इस तरह आप मैंडेट नहीं है, सहाफ़ी इस तरह आके हल्ला नहीं बोल सकते, इस तरह आप आके क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। ये मुतलका अदारा आके बात कर सकता है या क्वेश्चन आंसर कर सकता है वो। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, ठीक है बताएं। आप बगैर इजाज़त के मरीज का सी सेक्शन कर सकते हैं? मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। मैंने कहा आपके लिए कोई कानून नहीं है और हमारे लिए सारे कानून हैं। आपने ये, आपने अगर कानून की बात करनी है तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा जी। वो पता क्या है, यहाँ पे 200 किस्म के क्वैक्स के क्लिनिक्स हैं, दाइयों के क्लिनिक्स हैं। मेरी बात करता हूँ, मेरी बात सुन ले। आप मेरे साथ अभी चले जाके वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, पहले उसको थोड़ा कवर कर लें। बड़े रिस्पेक्टेबल हैं आप मेरे लिए, बहुत काबिल, बहुत बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। मैं अभी अभी भी आपको अभी चले, अभी भी क्वैक किसी क्वैक आपका जो काम अभी भी किसी क्वैकरी से भी ज्यादा खतरनाक है। ना ना ना, बात तो सुन ले। ये वो एक पेपर है, माशाल्लाह जनरल सर्जन साहब जो है THQ में भी सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं और मैं जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से अखलाक के साथ इनके साथ बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं देना चाहते। मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी यहाँ बुलाऊँगा, मैं DDH को भी यहाँ पर बुलाऊँगा अगर ये बात, और 15 को भी कॉल करूँगा और लवाहकिन बाहर खड़े हैं। अगर ये बात अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर ये कर लेंगे। मसला ये है डॉक्टर साहब, बता दें कि ये कितनी बड़ी, मेरी बात कितनी बड़ी बात रही थी, ये अभी बात सुन, मेरी बात सुन, ये कितनी बड़ी बात रही। ये आप मुझे बता दें कि स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स के आपने सिग्नेचर करा के आपने मरीजा की जान ले ली और आपने मरी हुई मरीजा को लेडी मिलिंटन अस्पताल में भेज दिया। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने, आप हाइपर जो हो रहे हैं इस तरह नहीं, मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं आपकी। आप हाइपर होके बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुने जी। मैं कह रहा हूं आप अभी मेरे साथ चले जहां पे क्वैकरी हो रही है, जहां पे OT आके ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी आपने उसको कवर किया? अभी मेरे साथ चले, मैं थिएटर में दिखा देता हूं। बात कर रहे हैं, बात तो सुन लें, बात कर रहे हैं। अभी आप रावी रियान चले चले, अभी आप मनो चले चले, अभी आपको मैं दिखा देता हूं क्वैकरी उधर हो रही है। लोगों को पता है, लोगों को पता है कि मैं कार्रवाई वहां पे करता हूं। नहीं 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 सर, आपकी अगर वहां पे हो रही होती सर, आपकी कोई बात, आपकी कोई बात यकीन नहीं करेगा। ये जो आपने एक ब्लंडर की है ना, रो रहे हैं वो, आपको किसने अथॉरिटी दी थी कि आप सी सेक्शन कर दें? ये अंगूठे आपने लगवाए हैं, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। मुझे पता है, खुदा की कसम कोई जवाब नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर, FCPS जनरल सर्जन, और मैं वो तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा, YDA हो, PMA हो, कि खुदारा एक इस किस्म में जो डॉक्टर है इनको सपोर्ट नहीं आपने करनी, ये जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे कहते हैं कि आपको मैं जवाब क्यों दूँ, उसकी वजह ये है ना कि ये झूठे हैं। मुझे बता दें, हल्फन बता दें, मैं चला जाता हूँ डॉक्टर साहब, कि ये साइन किसके हैं बता दें, ये अंगूठा किसका है? मैंने आपसे आगे ये अंगूठा किसका है? और ये बात तो सुन ले, केस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में चला गया है और अभी तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मैं ये कहूँगा कि ये सील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक जनरल सर्जन का, एक बड़े डॉक्टर का अस्पताल है ना, यहाँ पर क्वायक होता तो एक मिनट में हो जाता, तो ये इसलिए इनका है। फर्क साहब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ये अभी जवाब ही नहीं देना चाहते। और आज ये मुझे बता दें, चलो ये बता दें कि यहाँ पे सी सेक्शन हुआ है इस मरीजा का, मेरी एक ये बता दें मुझे, मेरी बात सुने। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अगर क्वैकरी को कवर करना है ना, तो काइंडली प्लीज़, मैं ये कहूँगा मेरे साथ चलो, वो मेरे साथ चलो, क्वैकरी जो है ना,
मेरे साथ चलें, क्वैकरी कुछ और है, क्वैकरी ये नहीं है, क्वैकरी क्वैकरी आपका अख्तियार नहीं है, क्वैकरी के ऊपर मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं मारे खा चुका हूँ, मैं मारे खा चुका हूँ क्वैकरी के ऊपर। लास्ट टाइम आए थे मुझे पता लगा, बड़ा रोला रपा इधर हुआ बहुत ज्यादा यहाँ पे। कब आए हैं? पता नहीं, कोई 10-15 दिन पहले शायद आप आए। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मरीद के में मैं 10-15 दिन पहले, एक महीना पहले, दो महीना पहले मैं नहीं आया। मैं आपका जो गायनी सेंटर है, आपका गायनी सेंटर पे पहली दफा आया हूँ मरीद के में। मैं तकरीबन कोई 5-4 माह 3 माह बाद आया हूँ, यानी कि कहीं कभी कवर करने नहीं मैं यहाँ पे आया। हाँ, अगर क्वैकरी की बात है तो मरीद के ऊपर इंशाल्लाह क्वैकरी के ऊपर भी करेंगे, लेकिन मुझे इसका जवाब अगर आप दे के मुतमिन करेंगे तो मैं यकीनी तौर पर वही मनो ऑनर होगा जी, हो रहा है जो आप बताएंगे, लेकिन आप इसका जवाब देना नहीं चाहते। मैंने उस दिन आपकी वाइफ जो है ना वो खुद डॉक्टर हैं, ठीक है, गायनी की, उन्होंने ये सर्जरी करनी थी, और वैसे भी वो सर्जरी करने के लिए, करवाने के लिए आए नहीं थे पेशेंट, वो गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल से उनकी फाइल बनी थी और रेगुलर अक्सा वहाँ से करवा रही थी, लेकिन आपने यहाँ पर सी सेक्शन कर दिया, उनसे पूछा ही नहीं बेचारों को, उनको बता तो दें कि जी सी सेक्शन होना है आप कर लें, लेकिन आपने ये जाली साइन करके एक स्टाफ नर्स के उनको डेड बॉडी दे दी और कहा कि लेडी विलिंगटन ले जाएं, और लेडी विलिंगटन के डॉक्टर कहते हैं कि मरे हुए इस पेशेंट को काफ़ी देर होगी, आप हमारे पास ले आएँ, इसका कोई जवाब दे दें। मैंने आपसे रिक्वेस्ट आगे भी की है, नहीं जो आप देते सर रिक्वेस्ट मैं आपकी मानता हूं। आप ये बात उस डॉक्टर फर्क साहब, मैं आपकी बात उस दिन भी हुई, और फिर आपके भाई, आपके भाई भी डॉक्टर हैं? नहीं, वो डॉक्टर नहीं। अच्छा, आप फिर उनके पास जा रहे हैं, उनको कहते जी पैसे ले ले सुलह कर लें। किन के पास? ये जो लुहाकीन है, मेरे नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में नहीं है? आपके भाई गए हैं, डॉक्टर हैं वो? मुझे नहीं पता इस चीज़ का। आपके भाई डॉक्टर नहीं है ये बता दें, आपको पूरा मरीज के देख रहा है, आपके भाई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। आपकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है? तो मुझे बताया कि ये आपने ऑपरेशन क्यों किया? मैंने आपसे आगे अर्ज की है, आप मेरी बात सुन लें। मैं चलते हैं, इसके बाद क्वैकरी भी पकड़ेंगे, आप मेरे साथ होंगे फ्रंट पे, मैं क्वैक सारे पकड़ूंगा। आपने बगैर कंसेंट के पेशेंट का सर्जरी कर दी, पेशेंट की डेथ होगी और उनको डेड बॉडी दे दी। अच्छा, ये चलो मुझे ये बता दें कि ये कार्ड के ऊपर किया है या वैसे किया है जी? ये बता दें, ये सर्जरी कार्ड के ऊपर की है या कैसे की है? अच्छा अस्पताल बनाया आपके, अस्पताल की तारीफ हम करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब ब्लंडर है। मैं एमरजेंसी को देख रहा हूँ, कोई एमरजेंसी, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। मैं बल्कि जनरल सर्जन सोसाइटी की जो सोसाइटी है, जनरल सर्जरी की जो सोसाइटी है, मैं उनसे भी कहूँगा कि ये एक सवालिया निशान है डॉक्टर साहब के लिए। FCPS MBBS कहाँ से माशाल्लाह ग्रेजुएशन सर? इलामा इकबाल इकबालियन, और इकबालियन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। डॉक्टर साहब ये गलती होगी या क्या हो गया, ये आप कह दें ताकि हम जाएं, खत्म हो काम। देखिए उस ये सर्जरी क्यों की आपने? जनरल सर्जन मैंने पूछा है, मैंने PMA के डॉक्टरों से पूछा है, मुख्य डॉक्टरों से पूछा है कि अगर, एक मिनट सिर्फ बात सुनिए, कहते जी अगर गायनी की डॉक्टर ना हो तो फिर जो है वो एक जनरल सर्जन मजबूरी की हालत में दही पैरी फ्री में सर्जरी कर सकता है। चलो आप एक नामवर जनरल सर्जन हो गए, ठीक है, मान लेते हैं, इकबालियन है, वहाँ से पढ़े हैं, ये अमले ने गलती की है, आपकी वाइफ की गलती है, किसकी गलती है कि पेशेंट, फिर बाद में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स के लिए गफलत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मैं आज अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी से, क्योंकि मैं 15 साल से कवर कर रहा हूँ जी, इसलिए अपनी डॉक्टर कम्युनिटी कह रहा हूँ कि 15 साल हो चुके हैं, मैंने कभी, मैं हमेशा इस बात का हामी हूँ कि यार डॉक्टर्स की गफलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सर जब आप कंसेंट नहीं लेंगे ऑपरेशन करके, और आपके पास यहाँ पर वो आपके पास वेंटिलेटर है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर। ICU तो यहाँ पे किसी भी जगह पे नहीं है, THQ में भी नहीं है, ICU नहीं है, आपके सरकारी में नहीं है जिधर आप जॉब कर रहे हैं, उधर भी नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की है, हमें इस चीज़ से मना किया गया है। किसने मना किया? एथिकली हम ये इस तरह सवाल जवाब नहीं कर सकते, ना जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मर्जी है डॉक्टर साहब, मर्जी है आपकी, इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें देख लें आप, ये वो फाइल है, इस फाइल में इस मरीज को किसने नसीजिया दिया? नवीद साहब, या खुद ही नसीजिया भी दे दिया? नवीद साहब मेरी एक बात सर, जी जी, मैं आप इस माशरे का हिस्सा हैं जिस तरह मैं भी हिस्सा हूँ, ठीक है, ये बात ओके है। आपको भी पता है कल्प्रेट कहाँ कहाँ पे हैं, किधर किधर हैं और किस जगह पे ज़्यादा एड्रेसेबल हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं
फिर भी बड़े कुछ ना कुछ इक्विप्ड होके बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने लेकिन मैं एक बात ही कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम जो आप मुझ पर लगा रहे हैं ना, क्वैकरी और इस तरह का, क्वैकरी का तो आपके ऊपर लगाया ही नहीं, आप तो प्रोफेशनल है। ये मैं कह रहा हूं, प्रोफेशनल डॉक्टर की गलती, ये प्रोफेशनल डॉक्टर की गलती अगर हो तो बड़ी गलती है, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा मुझे ये बता दें, चलो मैं तो इसका ही पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दे दें, मैं चला जाऊँ। डॉक्टर साहब इसका ही जवाब दे दें, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आप बोल रहे कि ये सिग्नेचर, ये अंगूठा किसका है सर? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने आगे रिक्वेस्ट किया, आप मेरे मुख्तरम हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कुछ हमारे लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हैं इस लिहाज से कि हम इस तरह बात नहीं कर। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने आप मुझे चार सवाल किए, बात सुन लें, आपके चार ने पाँच जवाब दिए, बात तो सुन, मैंने कई दफ़ा दराने की कोशिश की, मैंने आपको मौकफ आए, आपने आपको ये कहा कि ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ ना मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आप जवाब देंगे, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे कोई बात आप करें तो हम बात करें। दूसरे नंबर पे इस तरह स्ट्रेस में कोई बंदा भी गलत बात भी कर सकता है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्क साहब, ठीक भी कर सकते, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात हुई। मेरे चार पांच सवालों का आपने कहा जी मैं प्लेटफार्म के ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या कोई रेलेवेंट प्लेटफार्म के ऊपर जवाब दूंगा, आप दीजिएगा इंशाल्लाह, इसको हम भी फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी आपसे बात। लास्ट टाइम यही चैनल था जो मुझे पता लगा, इसी के मैं पहली दफ़ा आया हूँ जी, नहीं पहले भी मैं पहले तो पाया हूँ, चलो इस चैनल से अगर कोई आ भी गया है, मैं वैसे बात कर रहा हूं, तो कोई हर्ज तो नहीं है, मुझे यही पता तो था, देखें यही चैनल से डॉक्टर साहब होता ये है कि जब आप वन साइडेड को स्टोरी चला दे, लोग कहते हैं मौकफ ही नहीं आया, तो मौकफ के लिए हम तो हाजिर होते हैं, अगर कोई ना दे तो कोई मसला नहीं सर, और आपका शुक्रिया, मैंने सिर्फ कोशिश की थी कि मैं अपने नाज़रीन को बता सकूँ, और ये सारा केस जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास है जी, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि प्लेट मतलका रेलिवेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जवाब देंगे, इंशाल्लाह देंगे, ये देंगे तो हम भी इंशाल्लाह इसको मुसलसल फॉलो करेंगे, और मुझे जो लवाकिन ने कहा था बाहर हैं जी, लवाकिन मेरे साथ बात कर चुके हैं, उन्होंने तीन चार उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि हमें बताया नहीं, ऑपरेशन कर दिया, दूसरा ये है कि पेशेंट की डेथ हो गई थी और हमें कह दिया कि जी आप लेडी ब्लिंटन ले जाएँ, तीसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है बाकी सारी चीज़ें छोड़े, उन्होंने कहा जी कि हमें कंसेंट के ऊपर हमारे ना तो अंगूठा है कोई, ना हमें बताया है, ये सारी फाइल बाद में तैयार की है। तो नाज़रीन ये मामला था, डॉक्टर फर्क साहब जनरल सर्जन है जी माशाल्लाह, और वही वो कहता हूँ मैं कि डॉक्टर फर्क अली मुजाहद साहब जनरल सर्जन MBBS FCPS इकबालियन भी हैं, अच्छे इदारे से इन्होंने किया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर से जब गलती हो तो मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से जो है वो सवाल करता हूँ कि अगर आपके पास ये केस है तो ये केस स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए कि किसकी गलती है, ये नहीं हो कि एक क्वैक अगर गलती करता है तो उसको पकड़ के आप सील कर दें, सारा कुछ हो जाए, होना चाहिए, लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल PMDC वो भी इन्हीं के लिए बनाया गया जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और नाज़रीन मज़ीद जो है वो अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन फैसला करेगा इस केस के ऊपर, इसका क्या फ़ैसला आता है। नाज़रीन पूरी कोशिश की मैंने कि डॉक्टर फर्क से जो कि जनरल सर्जन है वो जवाब दें, मुतअद्दद बार मैंने अपने सवालात दोहराए, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो डॉक्टर साहब की जानब से कोई जवाब नहीं दिया गया, बार बार यही कहते रहे कि मैं किसी किस्म का जवाब नहीं दूंगा। सवाल ये है कि एक बड़ा अस्पताल डॉक्टर यहाँ पर फर्क बनाकर बैठे हैं जो कि GT रोड के ऊपर है, मरीज के बिल्कुल ऊपर है, और 26 साल अक्सा जो इस अस्पताल में जनरल सर्जन की गफलत की वजह से जो है वो यहाँ पर जहाँ बाक होगी और उसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो बड़ी चलाकी के साथ यहाँ पर अमले ने कहा कि जिसको लेडी विलिंगटन अस्पताल लाहौर में ले जाएं, तो सवाल ये है कि उसके बाद जो एक फॉर्म होता है जो इजाज़तनामा होता है डॉक्टर जनरल सर्जन डॉक्टर रणवीर जो है डॉक्टर फर्क जो है उन्होंने बाद में अपनी स्टाफ नर्सेस से अंगूठे लगवाए, जो इजाज़तनामा होता है जो मरीजों से लिया जाता है अटेंडेंट से लिया जाता है कि जी आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या नहीं, सिर्फ चंद पैसों की खातर डॉक्टर ने जो है वो कोई इजाज़त नहीं ली और ऑपरेशन कर दिया, और जब केस ख़राब हुआ तो उसको लेडी विलिंगटन और जब डेथ होगी तो मरीज़ा को लेडी विलिंगटन रेफ़र करने की कोशिश की जो कि मरीज़ा की डेथ हो चुकी थी। तीन चार सवालात के जवाब नहीं दिए गए, एनेस्थीजिया किसने दिया था, क्या आपको इजाज़त है, और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर फर्क की जो वाइफ है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और जब मरीज़ा यहाँ पर आई चेकअप के लिए डिलीवरी केस के लिए या सी सेक्शन के लिए यहाँ पर मरीज़ा नहीं आई थी,
लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया। अब सवाल फिर एक मरतबा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, पाकिस्तान एंड मेडिकल डेंटल काउंसिल से और निगरान जिला पंजाब से है कि अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई मुस्तनद डॉक्टर गलती करता है तो क्या उसको सजा मिलेगी। मुतअद्दद केस हो चुके हैं पंजाब में, सरगोधा, फैसलाबाद, सियालकोट, गलत ऑपरेशन कर दिए जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सजा किसी को नहीं मिली। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास एक और दरख्वास्त जा चुकी है, देखना होगा कि डॉक्टर फर्क मरीज के जो जनरल सर्जन हैं इनके खिलाफ लवाहिकीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गए हैं, देखना होगा कि कितनी देर में ये फैसला होता है और ये भी देखना होगा कि क्या सजा मिलेगी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।